तो मेक सेंस व्हाई? बिकॉज़ ये एक्चुअली सीएच यहां बनाया जा रहा है ना, और सीएच में क्या पड़ा हुआ, डब्ल्यू पड़ा हुआ, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा, वो डब्ल्यू को प्रिंट करेगा, एम को प्रिंट करेगा, वाई को प्रिंट करेगा और वेक्टर रहेगा। एड्रेस प्रिंट आप नहीं कर सकते इसकी तरह, इस तरह एक और तरीका है जिसके थ्रू आप कैरेक्टर अरे का एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं, और वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बट सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस थिंग। जी बेटा, अगर मैं क्वेश्चन को असाइन करूंगा एम वैल्यू अरे का, क्या आपके पास एम वैल्यू अरे का, अगर मैं पॉइंटर को असाइन करूंगा, हां, तो फिर वो भी अरे की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल, वो भी असाइन कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर या कैरेक्टर अरे वो बिल्कुल बस ऐसे ही एक्ट करती है कि अगर तुमने एड्रेस प्रिंट करने को कहा है तो वो एड्रेस प्रिंट नहीं होता, उसकी वो कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करता है, वो सेंटेंस पढ़ी गई और फिर उससे आगे एड्रेस प्रिंट करता रहता कैरेक्टर जब तक कि वो कहां तक नहीं पहुंच जाता। ये बनाया गया, आपको ये नजर आया है, इसका बहुत बड़ा फायदा है जब आप अपना टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर आपका आने वाला प्रोजेक्ट है जो कि इस अगर ये काम आपको बार बार लूप्स के थ्रू करना पड़ता तो आपको लग पता जाए, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यू विल जस्ट प्रिंट सी आउट और वो पूरी चीज। अगर आप कह दें यहां पर, अगर मैं यहां पर कह दूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं दिस स्टैटिक ए जी का नाम क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टैटिक ए का मतलब ए का एड्रेस है, ए की एड्रेस की जो ए की जीरो ए के एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है, जब मैं वैल्यू की बात करूं तो वो तो आराम से प्रिंट हो जाएगी, यानी क्या प्रिंट होगा, एम एम प्रिंट होगा, एम हां ए प्लस, जो मैंने कोई वैल्यू प्रिंट करना है, एड्रेस प्रिंट करना नहीं का, एड्रेस अगर किसी भी कैरेक्टर का है तो वो सबसे जरूरी होता है। जब भी कोई वैल्यू कैरेक्टर प्रिंट होने, जब जिसका पहले कैरेक्टर प्रिंट होता वैसे प्रिंट होगा। जब भी आप एक एड्रेस प्रिंट करने लगते हो और वो कैरेक्टर का एड्रेस होता है तो वो स्पेशली तरीके से हैंडल होता है, बस इस बात से। सर इसके अंदर वही प्रिंट करेगा, नहीं प्रिंट करेगा एड्रेस जब वो करता। हां सर, अगर हम लोग स्कैनी को अब यार प्लीज बात सुनो, स्कैनी को एम्परसेंड में बदल देंगे। ओके, अब तुमने एक डिफरेंट बात की है, तुम्हारा नाम क्या है? वली। वली ने कहा कि अगर मैं ये कर देता स्टैटिक ए, ये किसकी बात कर रहा है, ये इस लॉ की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है इसके बाहर अगर मैं एड्रेस भी लगा दूं क्या होगा? अब मैं इस एड्रेस की बात कर रहा हूं और ये एड्रेस किसका एड्रेस है, कैरेक्टर का एड्रेस है, तो कैरेक्टर एड्रेस का सेटल होता है, एम भी प्रिंट होगा, वाई भी प्रिंट होगा और नल प्रिंट होगा। बस सुन, ठीक है सर, अगर ए से शुरू करके सर वाई प्रिंट होगा, शाबाश सर। अगर थोड़ा सा भी आगे जाना तो दो चार मैच छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने इनपुट क्या किया था उस चीज, माय नेम इज फजील, मेरा नाम फजील है। अच्छा ठीक, तो फजीला कर देते हैं, वो भी यही है। अच्छा, चल ना कहां कहां कर। इसके बाद मैंने दोबारा ये सेशन लिखी है सी एन, ओके। अब क्या हुआ, ये रुकेगा ना अली, ये जब मैंने इनपुट कराने को कहा, ठीक है, अरुण ने इनपुट कर दिया माय नेम इज फजीदा, ठीक है, से नहीं रुकेगा ये यहां पर। ए में क्या है, सिर्फ माय आया है, और फिर वो आगे आया कि ये इंसर्शन फॉर एग्जांपल नहीं है, ये जो भी प्रिंट की वेरिएशंस हमने प्रिंट करनी थी वो हमने प्रिंट कर दी। उसके बाद जब सी एन ए किया, ये आप रुकेगा नो सर, ये आप नहीं रुकेगा, ये क्यों नहीं रुकेगा सर, ये पहली वैल्यू से पहले में बफर में पहले ही वैल्यूज पड़ी। आपका कर्सर कहां पे रुका हुआ है, आपका कर्सर एक्चुअली माय पे, जो रीडर जो रीड कर रहा है वो एक्चुअली कहां रुका हुआ है, यहां रुका हुआ है। जवाब आप बताएं क्या हुआ यहां, वो पहले स्पेस रीड करेगा, पहले इमेज रीड करेगा, शाबाश, स्पेस को वो इग्नोर मत, ये बात याद रखें। सीन कैसे काम करता है, वो जितने भी स्पेसेस आप इनपुट करते हैं या एंटर इनपुट करते हैं, जितने भी डिले आप करते हैं वो आपको रहता है, वो सारे इग्नोर मत। लेकिन ए तो फर्स्ट इंडेक्स के करना एड्रेस है ना, हां, ए जीरो मतलब, हां, ए इक्वल है,
जीरो ए के इक्वल है तो मसला क्या है ए जीरो ए के इक्वल नहीं है ए जीरो का एड्रेस तो वो फर्स्ट एड्रेस पे नहीं जाएगा हाँ वो इनपुट तो इसी तरह ही करेगा लेकिन बात ये कि स्पेस पहले इनपुट अरे में इनपुट फिल करने से पहले उसको स्पेस इग्नोर कर दिया लेकिन सर अभी इसका जीरो इंडेक्स है वो n n पड़ा हुआ है अभी तक जीरो में m पड़ा हुआ है ठीक है लेकिन वो स्पेस इग्नोर की से और फिर आगे क्या आ गया अब सुन तो लो खबर नहीं रह सकते अब वो क्या करेगा अब वो ये करेगा कि वो कह रहा है दोबारा सीन मैंने एक अभी रखा है जब सीन एक अभी रखा है तो वो पूरा अगली स्ट्रिंग जब तक स्पेस नहीं आती वो रिपीट करेगा और वो पुरानी जगह पर पड़ा हुआ है तो वो रिप्लेस कर देगा यदि एक्चुअली क्या हो जाएगा ये इस जगह पर आने वाला है इस जगह क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा एन यहाँ आ जाएगा ए यहाँ आ जाएगा एम यहाँ आ जाएगा ई आ क्या आएगा सर यानी आप कहने का मतलब है कि सीन को पहली स्पेस से इग्नोर करके आगे वाला सारा निशान ठीक है सर सीन हमेशा ही ऐसा चाहे आप इंटीजर ले रहे हो कभी उसको इग्नोर करता है ठीक है अब आप चाहे तो ये सी और निकलवा सकते हैं क्या सी और तो भाई सिर्फ आप ए लिखेंगे जब ए लिखेंगे तो क्या पड़ जाएगा नेम शाबाश दोबारा बोलो सवाल सर मायने की सारे आगे नहीं बनकर के बाद जी सर उसके लिए एक वेरिएबल बनाना उसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल इफ आई एग्जैक्टली नो कि वो ये इनपुट करेगा तो मैं एक काम कर सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं एक काम कि मैं ये करूं अगर मैंने सीन किया ना ये ए व्हाट इफ कि मैं यहां पर एक काम करूं वो ये Now look at this. Suresh? Yes, sir. Mobile phone. Yes. Mobile phone. Yes. Index is clean. Look at this. Look at this. But this string ki length is going to enter. The pehle isme input kya padha tha? My padha tha na. My dash less hua na. Agar main iski length calculate karu na. Length ka actually ek function hota hai jo ki C++ mein hai. Aap wo chahe to yahan bhi use kar sakte hain. Upar aapko string dot actually include karna ठीक वो क्या करता है वो ऐसे करता है का अजीब इधर देखो क्या क्या लिख रहे हो अजीब बातें कर रहे यार वीडियो बना रहे यार वो ना एक फंक्शन है जो कि आपको अवेलेबल है इसी प्रोसेस में आप चाहे तो कुछ भी सिस्टम का कोई काम नहीं है इसी ना रिटर्न टाइप होती है और यहां होती है इसका नाम होता है strlen ओके और इसको क्या पास होता है कैरेक्टर पॉइंटर पास होता है और एक str पास होता है ये करता है कहता कुछ भी नहीं सिर्फ बस काम करता है वो कहता जी एक काउंट बनाता हूँ मैं जिसकी वैल्यू क्या है जी जीरो है और वो एक सिंपल से काम करता है यहाँ पर लिखता है वाइल वाइल नॉट इक्वल काउंट सॉरी एस टी आर काउंट नॉट इक्वल टू बैक स्लैश जीरो क्या मतलब वो देखा है नजर नहीं आ रहा मुझे ठीक है ये तो मैं रीड कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जब तक कि एसटीआर काउंट के ऊपर क्या ना आ जाए यार इसका काउंट नाम ना रखो तो मैं मसला आ रहा है यहाँ पे सर मैं आ ही रहता हूँ अब तुम कहोगे हाँ ये तो करने है ना ये कर लेते हैं क्या ये भी कर रहा ये वाला भी कर लेते हैं हाँ अब तो हो गया रात को मामा आ गई है यहाँ पे मैं काम करते हैं आई प्लस प्लस जब तक के आई मेरा ऐसे इंडेक्स पे नहीं पड़ता जिस जिससे मैं क्या पढ़ाऊं नल पढ़ाऊं अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर माई भेजूं तो ये पहले इंडेक्स 0 है शायद फिर 1 है और फिर 2 है 2 पे ये ब्रेक होता है और जब 2 पे ब्रेक होता है तो यहां पर वो रिटर्न आ जाता है रिटर्न आई का मतलब है कि इसका साइज कितना है साइज 2 है ठीक है नाउ लुक एट
मैं यहाँ पे ए प्लस एस टी आर एल ई एन ए क्या बात है क्या बात है अब माय भी आएगा क्यों कि मैंने कहा है कि अब ए के ऊपर प्रिंट आउटपुट इनपुट ना लो ओके ए प्लस कहां से शुरू करो ए प्लस लेंथ से शुरू करो ए प्लस लेंथ का मतलब क्या है पहले यहां पर यहां पर था ना यानी कि 0x 100 प्लस 1 यहां है प्लस 2 यहां है तो अब एक्चुअली वो नल से दोबारा से रीराइट करना नल पे नहीं आएगा नल पे एन लिखा हुआ है नल के ऊपर से दोबारा स्पेस स्पेस के बगैर स्पेस के बगैर अगर आप स्पेस भी देना चाहते हैं तो पहले तुम्हें उस नल कैरेक्टर को स्पेस करना चाहिए क्योंकि अगर उस नल कैरेक्टर को स्पेस नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर वो अगली दफा जब प्रिंट करोगे तो वही बन जाएगा ये सारी चीजें आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करनी है जब आपने टेस्ट सेंटर बनाएंगे ठीक है सो वेट फॉर इट बल्कि डू नॉट वेट फॉर दिस ठीक है जाके घर जाके एक दफा थोड़ा सा खेल के देख लो ना कहीं क्या हो रहा है ठीक है वरना तो मैं तुम खिलाई तो इस तरह कैरेक्टर अरेंज किया सेव क्या सेव कैसे कराना होता है क्या सेव कराना तो देखिए मसला क्या है ये इससे मतलब समझता नहीं आप करना चाहें तो कर सकते हैं आप इसे इनिशियलाइज करेंगे इक्वल टू फॉर एग्जांपल जैसे करते हैं लेकिन बस आखिरी कैरेक्टर क्या होना चाहिए आप जहां से मर्जी जाए यदि मैं कह रहा हूं कि ये देखो मेरे आपके सही साइड की एड्रेस हुआ है नहीं कुछ नहीं एड्रेस ए का मतलब क्या है एड्रेस प्लस अगर आप कोई भी इंटीजर करते हो वो भी एड्रेस ही आएगा सर ठीक है सर मैच मैच पास ले पास सर एक इस चीज को मैं यू पे लिख सकता था ए मुझे पता है मुझे लेंथ के टू लेंथ किया ना मैं यहाँ पे ए टू लिखूंगा तो ये तो कैरेक्टर रीड करेगा है ना बट व्हाट अबाउट इसका मतलब क्या है आप अगर सेकंड एड्रेस से वो वैल्यू उठाना शुरू करें समझ में आ गई सर आप दोबारा इस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे क्या इस वाले फंक्शन को अगर माय नेम स्टोर हो गया इस पे जा रहा हो तो वो तो सिर्फ दो पे ब्रेक हो फिर वही बात आपको एस टी आर एल ई एन यूज करना ठीक है वही स्ट्रेचिंग लेंथ यूज करना ब्लड टू लेकिन आपको कॉल करना अगर आप यही यूज कर रहे हो और स्ट्रिंग खाली है मतलब तो क्या ले रहे हो स्ट्रिंग खाली है खाली का मतलब क्या कुछ भी नहीं पड़ा तो वो जीरो कैरेक्टर रिप्लेस करेगा जिन कर मैंने यहां पे क्योंकि लिखा हुआ क्या यहां पे अगर मैंने लिखा हुआ एस टी आर एल ई एन और यहां पे ए लिखा हुआ यार इस तरह सवाल नहीं करते क्यों नहीं करते खुद देख ले यार इस तरह के हजार वेरिएशन में सारी चीजें नहीं करा सकते ठीक है थोड़ा ये सारी चीजें जो कि हमें कभी टीचर ने नहीं बताई तो अच्छे
अच्छी बात है कि आप खुद एक्सप्लोर करें, ठीक है, आपको बेसिक बता दिए, उसके बाद आप जो मर्जी करें, ठीक है, अच्छी बात समझ में ना आए तो फिर आप जरूर पूछे, आप फिर आपका हाथ बनता है कि आप सवाल करें, ठीक है, वो साहब आपके आप मुंह बना दिए आप तो तुम्हें झूठे पड़ जाए सवाल करें ये सर कौन है मुझे सर करा से तो मैं डॉक्टर ने थिएटर माने तो और न्यू सीन से माने तो उसका भी तरीका होता है अपना रेट सीन में स्ट्रेस हो जाए ये पूरा संभाल हो गया है यार अच्छा भाई अब तुम्हें क्या बोल रहे हो सर नहीं अच्छा जी चले अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि भाई हमने देखा था कि इफ यू रिमेम्बर कि आप हमारे कहा था कि मेमोरी में क्या होता है मेमोरी के एक्चुअली चार पोर्शन होते हैं एक होता है कोर सेगमेंट यहाँ का कोर पड़ा होता है चिपॉक ठीक है और फिर होता है ग्लोबल सेगमेंट जब भी आपको हीट से स्पेस चाहिए होती है तो वो कहीं से बता देता है ठीक है तुम्हें आराम नहीं है हाँ सवाल अगर मुझसे कर रहा है कोई बात नहीं हम सबको अफाका हो जाएगा और फिर हर फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं वो यहाँ स्टैक पर रखे जाते हैं पहले फंक्शन कॉल के वेरिएबल यहाँ होंगे फिर अगले फंक्शन कॉल के वेरिएबल यहाँ होंगे और फिर अगले कॉल भी यहाँ होंगे अच्छा अब जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंपाइलर को ये कंपाइल टाइम पर पता होता है कि किसी फंक्शन के लिए मैंने कितनी स्पेस कितनी फंक्शन के लिए मैंने कितनी स्पेस बनाया ओके आपको याद है फिर कोई रास की बातें शुरू नहीं है कि ये ग्रैंड का पार्ट नहीं मेरा सत्ता ये F1 है F1 एक वेरिएबल है इसमें इंटीजर A आया इंटीजर B आया और फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर C बनाया ठीक है अब क्या होता है ये जो फंक्शन F1 है इसकी स्टैक जब भी F1 कॉल होगा तो स्टैक में F1 की एंट्री होगी ठीक है F1 मैंने नाम ऐसे लिख दिया लेकिन F1 का नाम कोई नहीं होता ठीक है वहां पर ये यहां पर कोई आई मीन यहां पर एक एंट्री भरी पड़ेगी ये वाले अखबार में कोई नाम नहीं एड्रेस वो मैं बात बताऊँ ठीक है थोड़ा समझ जाओ सही ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स एक्चुअली स्टैक के अंदर एड्रेसेस बन जाते हैं फॉर एग्जांपल ये एबीसी तो मेरे को आ रहा है ना ये इन द एंड जाके आपको मैंने बहुत पहले बात की जब लिंकिंग करते हैं तो लिंकिंग का मतलब क्या होता है ये वो ये बन जाता है कि जो A है ना वो एक्चुअली इसकी 0 3 है
और जो बी है वो क्या होगा वो इसकी वन है और जो सी है वो एक्चुअली क्या है वो सी सेकंड है पूछ रहा हूँ समझ रहा हूँ पूछ रहा हूँ वन वन उसका तो नहीं
बस वो वोट के बाद जो नीड है दोनों अलग अलग मेमोरी। नाउ लुक एट दिस।
आपने ये फ्लैट स्क्रीन रीडर बनाया, आपने एफ एन एस किया, जब आप एफ एन एस करेंगे तो हाँ बताए क्या होगा, बताओ क्या होगा, किसमें रीड होगा, फाइल से रीड होगा, किसमें रीड होगा, ये किस जगह पर और नंबर 10 वैल्यू है, पर 10 वैल्यू कहां लिखी जाएगी, एस में लिखना है, तो ग्लोबली या जो मेन में जो आपने एस लिखा है उसी एस में ही एक्चुअली वैल्यू अपडेट होगी, पर नंबर दिया आपने 10 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या आपने कहा ए इज इक्वल टू न्यू एंड एस, इसका मतलब क्या है, इस हीप पे 10 साइज की अरे बन, ओके दैट्स परफेक्टली फाइन, यही हमें चाहिए था, इसका भी अपना एड्रेस होगा, लेट्स से 0x900, ये 0x900 किस जगह स्टोर सर, ए में, ए में स्टोर होगा, ये इसमें स्टोर होगा, ये कितना है, ये 0x900 है ना, ये दिया आपने फाइल रीड कर दी, ये बिल्कुल फाइल सही रीड किया, ये रीड का क्या रखी, स्टैटिक ए प्लस आई के ऊपर रखी है, स्टैटिक ए प्लस आई का मतलब क्या, हां डायरेक्टली मैं डायरेक्टली मैं लिखा हुआ यहां पे, मैं डायरेक्टली नहीं बस मैंने जानबूझ कर रखा ताकि ताकि क्लियरिटी आ, ठीक है, ये वैल्यू मैंने रीड किया तो वैल्यू की जगह रखी ए प्लस आई के ऊपर, भाई मैं एक्चुअली डायरेक्टली ए आई भी कह सकता था लेकिन वो नहीं कहना होगा, मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, ठीक है, अच्छा बट सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा ये इस जगह पर जाके रीड कर, फर्स्ट नंबर पहली वैल्यू 1 आई है, फिर 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है, 5 आई है, और आखिरी वैल्यू 10, ठीक है, ये आपने रीड कर, उसके बाद जी आपका ये फंक्शन खत्म हो जाता है, आप आ गए यहां से बाहर, जब आप यहां से आए बाहर तो आप आ गए यहां पर, है ना, मुझे एक बात बताओ, बाय द वे जैसे ये फंक्शन से बाहर आएगा ये जो स्टैक अभी का, ये जो स्टैक के इस स्टैक की एंट्री यहां से निकल जाएगी, जब ये यहां से निकल जाएगी तो ये एक्चुअली ये ए यहां से डिस्ट्रॉय है ना, जब ए यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये मेमोरी अभी भी आपके प्रोग्राम को मिल गई है, लेकिन कोई पॉइंटर है जो अभी वहां पॉइंट कर रहा है, नहीं कर रहा, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज़ नाउ यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी, तो बात सुने? Now you have actually lost your memory, which means के अब आपके पास कोई ट्रैक ही नहीं है। अब अगर आप sorted अरे इस sorted को ये डेटा भेज रहे हैं, तो actually डेटा में अभी तक क्या पड़ा होता है? Actually garbage वो कोई random जगह के ऊपर S में हालांकि value save हो गई है, लेकिन जो डेटा है वो अभी भी random जगह पर point कर रहा है। ये सब तो बात सुने? Which means कि अभी भी आपका आपने डेटा रीड किया, रीड भी हो गया है, रीड भी आप देखेंगे डिबगर में जाके देखेंगे आप वैल्यू रीड कर रहे हो, वैल्यू तो ठीक रीड हो रही है, लेकिन आपका जो डेटा पॉइंटर है वो कहां पॉइंट कर रहा है, हां रैंडम पे रैंडम कोई रैंडम जगह पर नहीं होगा, हां देयर आर मेनी वेज टू डू दिस, ठीक है, नेक्स्ट लेट मी शो यू के वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, डिबगर से एरर निकाल नहीं पाएंगे, वजह बताओ बताओ, क्योंकि हमने अगर डिबगर से करने का तरीका क्या है, आप देखेंगे जी ए में क्या वैल्यू स्टोर है, ए में क्या वैल्यू स्टोर है, एड्रेस स्टोर होगा ना ये 0x0x900, लेकिन जैसे ही आप फंक्शन से बाहर आएंगे डेटा में वो एड्रेस स्टोर है, इसका मतलब है कि आप भाई जान वो हमारा वो पॉइंटर लॉस हो गया, एक्चुअली दो कोई तरीका भी नहीं है, there is absolutely no way to track down that memory जो आपने allocated, ये बात समझे? समझ आ गई? क्या एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं? वो ये कि देखो ये जो हमने read pointer बनाया ना read data, इसको ना मैं 8 star बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं return करवा देता हूँ, बोला क्या? ठीक है? समझ रहे हो? इसका मतलब है कि आपको याद है यहाँ पर स्पेस क्या बनी थी, एक यहाँ पर मैंने एक ए बनाया, ठीक है, इस ए में बेटा क्या स्टोर था, 0x900, आखिरी लाइन में मैंने क्या कर दिया, रिटर्न ए करवाया, रिटर्न ए करवाने का मतलब क्या है, मैंने उसका एड्रेस एक्चुअली रिटर्न करवाया, है ना, और अब मैं एक और काम करता हूँ, मेन में जाके जो रीड किया है इसको डेटा से लेवल नहीं हो गया, यानी कि वो जाते जाते यानी वो
फंक्शन की एंट्री निकलने लगती है, जाते जाते कहता भाजा नहीं है जो मैंने मेमोरी लोकेट की थी ना यहाँ पे, ये मेमोरी ले लो अगर चाहिए तो। हमने डेटा पास ही क्यों किया है? शाबाश। अगला पॉइंट ये आता है कि ये जो हमने पॉइंटर हमने यहाँ पर एम ई पास कर दिया है, इसके पास करने की एक्चुअली जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं थी यहाँ पर, एक्चुअली इसको यहाँ पर बनना चाहिए। Do you all agree? इसको एक्चुअली पास ही नहीं होना चाहिए, इसको पास ही होना चाहिए, क्योंकि आपने डेटा से जो भी भेजा है आप उसे यूज किया है, यूज ही नहीं किया। Does it make sense? Actually, this is one way to solve the problem. कि आप क्या करें, बस आप size m% भेज दें, pointer को अंदर ही allocate करेगा और ये function pointer return कर देगा जो भी उसने डेटा दे दिया। मतलब डेटा में स्टोर हो गई ये, अब इसको डिलीट कर। अभी नहीं, डेटा में स्टोर नहीं हुई, इस फंक्शन में डेटा में स्टोर नहीं हुई। नहीं नहीं, इस फंक्शन में जो स्टोर हुई है वो यहां हुई है, डेटा में स्टोर नहीं हुई। दोबारा बहुत सुन लो, पॉइंटर में वैल्यू, पॉइंटर में डेटा सेव नहीं हुआ, पॉइंटर में उस डेटा का एड्रेस सेव किया है। ये अल्फाज जो तुम इस्तेमाल करते हो ना, ये सोच समझ के इस्तेमाल करो, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली बताता है कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। डेटा में कुछ स्टोर नहीं हुआ, डेटा में कुछ ना कुछ स्टोर हुआ है, बट डेटा में क्या स्टोर हुआ है? डेटा में एड्रेस सेव हुआ है उस जगह का जिस जगह पर एक्चुअली डेटा स्टोर है। ये बात सुन रहे हो सर? अब 0x900 क्या है? ये मिल गया है, पर एक एड्रेस किया है 0x900। आप खुद बताए रिटर्न एक ही आपने, कोई भी वेरिएबल आप रिटर्न करते हैं इसका मतलब क्या होता है? मैं मारूंगा तुम्हें। जब किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो क्या आता है? हाँ, क्या बुलाता है इसे? क्या एड्रेस बुलाता है? वही रिजल्ट है। सवाल ये है, अब इसको डिलीट कैसे करें? यार रुक जा, सवाल ये है कि बस खत्म होता है आपके पास यहाँ, ठीक है? अब आपका डेटा जो है ये एक्चुअली वहां पॉइंट करना शुरू हो गया, विच मीन इस डेटा में क्या बेटा वैल्यू आती होगी? 0x900 होगी और ये एक्चुअली यहाँ से जो सवाल आप आ रहे हैं तो खुद सोचना, ठीक है? ये एक तरीका है करने का सॉल्व, ठीक है? एक तरीका और सॉल्व करने का वो ये कि मैं यहाँ से आप डेटा पास नहीं होगा, ठीक है? एक तरीका ये है कि मैंने ये जो बनाया था ना, मैं यहाँ पर ही भेजू, हमने क्या भेजा है? एक इंटीजर पॉइंटर भेजा है एम परसेंट। आप मुझे बताएं क्या इस फंक्शन में कोई नया वेरिएबल बनाया? एक्चुअली इसी जगह का नाम है ए, एक्चुअली इसी जगह का नाम और एस एक्चुअली इस जगह का नाम है। अब जब वो एलोकेट करेगा तो एक्चुअली इसी को असाइन करेगा, और जब वो इस फंक्शन से बाहर आएगा तो क्योंकि कोई नई स्पेस बनी हुई थी, ठीक है, तो वो जो इस डेटा का ट्रैक है वो एक्चुअली इसी फिर ए का जो नेम है वो रिमूव हो जाएगा। हां, ए का जो ए भी उसकी एड्रेस का नेम है तो वो रिमूव हो जाएगा। हां, नेम रिमूव, उसके बाद अब आपने अरे को जैसे यूज करना था वैसे यूज कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के अरे में यूज किया क्योंकि
आपके आगे मैंने पूरा कोड लिखा कि भाई सॉर्टेड में क्या होगा, सॉर्टेड में मैंने चेक किया हुआ है कि भाई वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। अच्छा यार एक छोटी सी बात, मैंने कुछ लोगों के यहाँ देखे थे जिसमें तैयब ने मुझे भेजा था। अच्छा एक ना उसने ना एक काम किया हुआ था, यहाँ पर जो लीड लिखा है ना इस जगह पे ना ऐसे लिख दिया और ये भी राउंड देखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दबाव उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी। यस, तो फॉर एग्जांपल मैं 9000 रीड किया या 10 रीड किया तो एक्चुअली एक दबाव बना और उसकी वैल्यू एस असाइन। और आगे अगर आप लूप लगाकर उसको एक्सेस करेंगे वो आपको याद दे देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्रैश होगा। क्रैश क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप एक्चुअली हीप में से निकल जो आपको मिली हुई थी जगह उससे निकलते निकलते बाहर निकल गए अपनी औकात में, अपनी हीप में, अपने लिमिट अपनी हीप में, अपनी हीप में। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस। इसका मतलब ये क्या होता है? मतलब एक ही मेमोरी ठीक है। Everybody understand this thing? Yes. Okay? Yes, sir. Yes. All right. यार एक एक ना एक और प्रोग्राम बनाने का आपको कहा था। लेट मी अच्छा मैं इस पे कोड करूं या बोर्ड करूं? आगे कोड लिख रहा हूँ और कोड ये कर रहा हूँ कि सर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है फॉर एग्जांपल आप एक फाइल से लीड करते हैं और फाइल से लीड यार दोस्त बात सुन रहा ऐसे बैठा हुआ है लॉस हो रहा है है लॉस अच्छा अब हमने क्या करना है? हमारे पास एक हम एक काम करना चाहते हैं, प्रोग्राम लिख करते हैं जो फाइल से रीड करते ठीक है। लेकिन फाइल में सबसे पहले हमने याद रखा साइज कि इतनी साइज की मेमोरी लोकेट करना, अब वो नहीं पढ़ा हुआ। अब क्या पढ़ा हुआ है? अब पढ़ा हुआ है क्या कर जी बंदे यार इधर देखो ठीक है मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ ऑलराइट। अच्छा अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक अरे लोड करना हम एक डेटा रीड करना चाह रहे हैं लेकिन जब तक कि वो -1 ना निकल जाए हम चाहते हैं कि जो अरे है ना वो ग्रो होते हैं ग्रो होती है बड़ी बड़ी होती है बड़ी होती जाए बड़ी किसी ने बोला ना ठीक है देखो
चुप हो जाओ यार, मेरी मर्जी में जो मर्जी करो, तुम कोड करना तुम जो मर्जी करना। देखो नया कोड दैट कॉल यू दैट ये से गुड सर विंडोज रोटेट अच्छा। अब हम एक काम करते हैं वो ये अगेन यहाँ पर हम इंटीजर पॉइंटर लेंगे भाई ऐसे नहीं होता पढ़ना पड़ती अच्छी ना ठीक है जी। यहाँ पर आगे री डेटा में जी डी भेज देंगे और यहाँ पर एस ठीक है ठीक है। और यहाँ पर डी री डेटा अच्छा भाई आ जा। हमने जी क्या किया, हमने इस स्ट्रीम रीडर बनाया बना लेते हैं यार, तुम्हें मसला क्या है। यहाँ पे लिखते हैं जी हमारा नाम कितना था तलहा डॉट पी एच टी हाँ भाई जहाँ पे चले बताओ साइड